हेलो स्टूडेंट्स नमस्ते वेलकम टू के के कॉमर्स अकेडमी एंड कॉपरेटिव अकेडमी स्टूडेंट्स अकाउंट असिस्टेंट वालों आज हमारा है डे नंबर सिक्स स्टूडेंट्स अकाउंट्स पढ़ रहे हैं पाँच दिन से आज पहुंच गए छठे दिन पे लेकिन आज भी रहेगा कुछ कुछ थेरी का ही पार्ट ओके okay? स्टूडेंट जल्दी ही हम प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाएंगे लेकिन जैसे आप नॉन कॉमर्स वाले मेजोरिटी uh, स्टूडेंट होने की वजह से थोड़ा अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट देखना जरूरी है इसलिए हम इस चीज़ पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कल का लेक्चर अगर आपको याद होगा बच्चों थोड़ा हेवी हो गया था ना एंड एंड में सर अभी बहुत हो गया रुक जाओ सर आज के लिए ज्यादा हो गया ऐसा डिमांड आ चुकी थी तो वो हेवी लेक्चर के बाद आज का थोड़ा सा लाइट लेक्चर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कुछ कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कुछ कंसेप्ट ओके इट वॉज अ गुड कंसेप्ट स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार शॉर्ट में फटाक से एकदम दो मिनट में घुमा के ले आऊंगा कल के सफर पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है और फिर आज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे ओके ये स्टूडेंट तो कल वाले प्रिंसिपल्स आपके सामने ये रहे देखो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था बच्चों बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या बोला जाता है बिजनेस इज डिफरेंट एंड ओनर इज डिफरेंट आइडेंटिटी ओके इवन इफ ओनर इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन बिजनेस इट इज ट्रेटेड एज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ एनी पर्सन आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्टस स्टूडेंट्स यू कैन आस्क आपका जो भी क्वेश्चन आप सेंड कीजिए मैं तब तक ये आगे एक्सप्लेन एक कर रहा हूं सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है ओनली दोज कंसेप्ट ओनली ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट ओके नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी एट ऑल नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स वेट 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 आई लेट मी कंप्लीट दिस ओके नेक्स्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम्स बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसिएबल फ्यूचर अरे तो मैंने बोला ना लेटमी कंटिन्यू दी ये होने दो फिर मैं पूछता हूं आपसे यस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बिजनेस इज अ गोइंग एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ फोरसिएबल फ्यूचर तो जब तक कुछ बोला नहीं जाता हम एज्यूम करेंगे कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट एसेट एट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एसेट्स जितने पे लिया हुआ है ना जितने पे हमने बाय किया उतने पे ही हम प्रेजेंट करेंगे ओके उसकी आज की वैल्यू शायद से बढ़ गई होगी लेकिन हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही एसेट की वैल्यू दिखाएंगे ठीक है नेक्स्ट ड्यूएल एस्पेक्ट कंसेप्ट ड्यूएल मतलब दो राइट ड्यूएल सिम का मोबाइल है ना आपका उसमें दो दो सिम कार्ड बैठते हैं राइट तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं एक होता है डेबिट एक होता है क्रेडिट सो डबल एंट्री सिस्टम जो बोलता है यही इसमें बोला गया है कि हर ट्रांजेक्शन के जो दो इफेक्ट है वो दिखाने चाहिए और इसी के साथ हम इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी समझ गया क्या है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट ओके नेक्स्ट इज पीरियोडिक कंसेप्ट पीरियोडिक कंसेप्ट मतलब क्या uh, हम जो अकाउंटिंग डेटा मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है नॉर्मली फॉर अ पर्टिकुलर ईयर तो पर्टिकुलर ईयर फाइनेंशियल ईयर अगर बात करें इंडिया में स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल और एंड होता है थर्टी मार्च में ओके तो ये पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट में क्या है रेवेन्यू मतलब इनकम इनकम ऑफ दिस पीरियड शुड बी मैच विद द एक्सपेंस ऑफ दिस पीरियड ओके मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों एग्जांपल था कि मैंने अगर आपकी बैच कंडक्ट की फॉर एग्जाम्पल मार्च महीने में आपकी मुझे फीस मिल गई तो मार्च महीने की इनकम के अगेंस्ट मार्च महीने का एक्सपेंस भी दिखाओ ठीक है है तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू पीरियड वाइज जो भी है, वो मैच करना जरूरी है नेक्स्ट रियलाइजेशन कंसेप्ट अब रियलाइजेशन कंसेप्ट में ऐसा था कि इनकम अगर आपको इनकम होने वाला है तो इनकम तब तक मत दिखाओ जब तक एक्चुअल में आपको इनकम रियलाइज नहीं होता ठीक है तो जब तक आपको इनकम मिल नहीं जाता रिसीव नहीं हो जाता तब तक इनकम मत दिखाओ ये बोलता है रियलाइजेशन का नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव इविडेंस कंसेप्ट अब ऑब्जेक्टिव इविडेंस कंसेप्ट में क्या था एविडेंस मतलब प्रूफ ठीक है तो हर डॉक्यूमेंट मतलब हर एंट्री अकाउंटिंग में जो जो ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे हर ट्रांजेक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री इविडेंस होना जरूरी है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इससे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस मतलब आप अगर अकाउंटेंट हो आपको अगर कुछ बोला गया लिखने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए आप तभी रिकॉर्ड करो जब आपके पास उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जैसे सेल्स बिल परचेज बिल्स एंड सो ऑन नेक्स्ट बस यही तक हमने देखा था एक्रूवल आज स्टार्ट करेंगे यस यू कैन आस्क यूअर डाउट नाउ प्लीज प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए एक्चुअली ना आपका आवाज थोड़ा इको हो रहा है ऐसा कौन सा सोर्स है क्या बोल रहे हो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज अपोजिट टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट हाउ एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हाँ ठीक है वो भी बताता हूं मैं ठीक है यस एग्जाम्पल के साथ मुझे ये नहीं सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स मतलब मैं वापस वापस रिपीट करने बता रहा हूं लेकिन आपका आवाज इको इको हो रहा है और स्पीकर मेरे से थोड़ा दूर है तो सिंपल ये है कि ऐसी कौन सी कंसेप्ट है जिसमें एक्सक्लूजन ऑफ कौन से रिसोर्सेस ह्यूमन ओके 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 एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी सॉरी आ गया में आपका डाउट कि ह्यूमन ये तो बहुत बड़ी एसेट होती है हमारी राइट right? इतनी बड़ी एसेट होने के बाद भी ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता क्यों ऐसा कौन सी कंसेप्ट बोलती है तो इधर गया क्वेश्चन हाँ ये रही कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ओके मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में दिख, आ, दिख, आ, बोला गया है कि जो चीजें जो एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब ये छोड़ दो. Exclude करना मतलब ये छोड़ छोड़ दो एक्सक्लूड करना मतलब देना उनका कहना ऐसा है ये concept का कहना ऐसा है कि जो चीजें आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना वो छोड़ दो फिर वो ह्यूमन रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स मेरी बिजनेस की प्रॉपर्टी है नो no डाउट मैं मानता हूं और जानता भी हूं लेकिन वो रुपीज में नहीं बोल सकते ना हम इसलिए वो एक्सक्लूड कर दो मतलब छोड़ दो वो अकाउंटिंग में लो ही मत ऐसा ओके okay? ओके okay. हाँ यस 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 आ गया मेरे ध्यान में क्वेश्चन आपने टाइप किया अभी और फिर ध्यान में भी आ गया ओके okay. अब सवाल यह है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज कैसे ठीक है चलो आपको इस ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ तभी आपको क्लियरली समझेगा कहाँ पे गया अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन ये रहा ठीक है ओके बच्चो कैपिटल इक्वल टू और हाँ याद भी रखो इसपे हम लेक्चर मतलब स्पेशल एक लेक्चर हमारा इसपे स्पेंड होने वाला है कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटीज ठीक है लेकिन ठीक है अभी के लिए ट्रेलर आपको समझा देता अरे सॉरी 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 अरे मैंने तो इक्वेशन ही बदल दिया कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट ठीक है बच्चों Uh, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया क्वेश्चन ठीक से सुन लो आई स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज वन लैख एक लाख रुपए लाए और बिजनेस स्टार्ट किया अब मुझे बताओ इन तीनों में से कैपिटल लाइबिलिटीज और एसेट्स किस किस में फर्क पड़ेगा एक लाख रुपए मैंने बिजनेस में लाए यस yes. फटाफट से जिस जिसको यस यस लाइबिलिटीज को yes, yes, कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा हमारा ऑफ कोर्स बढ़ेगा बिजनेस में कैपिटल आ रहा है एक लाख रुपए आ रहा है ठीक है ना यस yes. और लाइबिलिटी का तो कोई संबंध नहीं हमने बाहर वाले से थोड़ी ना पैसे लाए तो लाइबिलिटी का कोई संबंध नहीं अरे लेकिन बिजनेस में कैश भी तो आया ना एक लाख रुपए का तो एक लाख की एसेट भी बढ़ गई देख लो भाई कैपिटल प्लस लाइब्रेटी इक्वल टू एसेट्स आ गया सर ये तो ठीक है और कोई एग्जाम्पल ये बच्चों और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ध्यान दो मैंने थर्टी थाउजेंड तीस हजार रुपए का माल उधर पे लाया उधर पे मुझे बताओ इसका इंपैक्ट किस किस पे होगा सी फॉर कैपिटल एल फॉर लाइब्रेटीज ए फॉर एसेट फटाफट आंसर दो मुझे दो दो लेटर चाहिए किस किस पे इंपैक्ट होगा मैंने गुड्स खरीद के लाए उधर पे यस एवरी वन इज सेवरी वन आंसर इज राइट एसेट और लाइबिलिटी दोनों पे इंपैक्ट होगा सर क्यों क्योंकि थर्टी थाउजेंड का माल लाया सर आपने तो उतना उतना स्टॉक बढ़ गया तो एसेट बढ़ गई तीस हजार की राइट ना गोडाउन में जो स्टॉक था वो बढ़ गया और अगर बात करें सर उधारी पे लाया ना आपने मतलब फ्यूचर में उसको पैसा देना है तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई सर तीस हजार से राइट और कैपिटल का तो कोई संबंध नहीं घर से थोड़ी पैसे लाए तो अगर आप देखो ये ट्रांजेक्शन के बाद भी अगर मैंने चेक किया देखो कैपिटल कितना है लाइबिलिटीज थर्टी और एसेट्स वन लैख थर्टी ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक ही ले रहा हूं फिर आगे जाएंगे एसेट्स सपोज मैंने किसी कस्टमर को बीस हजार ट्वेंटी थाउजेंड के गुड्स मैंने उधरी पे सेल किए सेल इसका इंपैक्ट इन तीनों में से किस किस पे होगा मैंने मेरे कस्टमर को ट्वेंटी थाउजेंड के गुड्स सेल किए उधारी पे दैट इज क्रेडिट पे ओके 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 स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सही कह रहे हैं तो ध्यान दो देखो मैंने के ट्वेंटी थाउजेंड के गुड्स सेल किए राइट मतलब व्हाट गोज आउट गुड्स गोज आउट दैट मीन्स स्टॉक गोज आउट स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो स्टॉक अगर कम हो रहा है तो मैं एसेट में से लेस कर दूंगा कि मेरा स्टॉक बीस हजार से कम हो गया राइट मुझे कुछ मिला नहीं मिला सर आपने तो उधारी पे दिया अरे उधारी पे दिया कैश नहीं मिला लेकिन मुझे उससे पैसे लेना तो बाकी है ना मुझे सामने वाले से अगर पैसा लेना बाकी है लेना है पैसा मतलब वो मेरी एसेट है किसी से भी पैसा लेना हो वो मेरा एसेट है ना तो मेरा एसेट बीस हजार से बढ़ जाएगा और उस एसेट को हम क्या बोलते हैं डेटर्स राइट डेटर्स इंक्रीज हो गए एसेट ही बढ़ेगा इसका इंपैक्ट सिर्फ एसेट पे होगा प्लस बी और माइनस भी कैपिटल का कोई संबंध नहीं बच्चो कैपिटल मैंने घर से पैसा लाया भी नहीं गया भी नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस नहीं हुआ कुछ संबंध नहीं कैपिटल को टच भी नहीं करेंगे तो so, कैपिटल जितना था एज इट इज वन लैख और ये लाइबिलिटीज थर्टी थाउजेंड और ये प्लस हुआ ट्वेंटी माइनस हुआ ट्वेंटी वापिस आ गया एक लाख तीस हजार तो अगेन आप देख सकते हो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट नहीं 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 एसेट्स में कोई कॉलम का संबंध है ना बच्चों परचेस सेल का कॉलम क्यों बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन इतना ही है ना इतने ही कॉलम बनेंगे इट स्टॉक yes. गया इसलिए से लेस किया और डेटर बढ़ गए किसी से लेना बढ़ गया से ऐड किया अकाउंटिंग क्वेश्चन इतना ही बच्चों इतने ही कॉलम आते हैं इसके अलावा कोई कॉलम नहीं होगा इसमें ठीक है बस प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे डेट्स इट आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ ऐसे हर ट्रांजेक्शन में होता है तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दो तीन ले लिए नहीं आवाज नहीं आ रहा है मुझे क्या बोले हमारे पास हाँ मतलब एग्जाम में कैसा होगा आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा हाँ अरे नहीं 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 देखो ना फॉर एग्जाम्पल ये है ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा यही दिया हुआ है ना ये वाला सेम ये वाला दिया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बस आपको ये अरेंज करके नहीं देंगे वो वर्डिंग में देंगे ना आपको आपको ऐसा बोला जाएगा उसमें कि आपके बिजनेस के एसेट्स है टू लाख लाइबिलिटीज है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो कैपिटल कितना ये आ गया क्वेश्चन ओके तो आपको वो अकाउंटिंग इक्वेशन में वैल्यू डालोगे आपको समझ जाएगा एटी थाउजेंड कैपिटल है ठीक है यस हाँ 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 भाई देखो पहली बात तो ये कि कैश ये एसेट है बैंक ये भी एसेट है बिल्डिंग ये भी एसेट है मशीनरी ये भी एसेट है अगर आपको बाइफर्केट करना है ना तो जितने एसेट है उतने कॉलम ड्रॉ करो हर एक में दिखा सकते हैं लेकिन वो यहाँ पे जब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात आती है ना तो वहां पे आपको बायफर्केशन नहीं दिखाना है कि आपके पास कैश कितना है और बैंक कितना है समझ रहे हो ऐसे तो दस एसेट है मेरे पास इसका मतलब दस कॉलम नहीं आते अकाउंटिंग इक्वेशन में सबके सब एसेट के कैटेगरी में आते हैं दैट्स इट ओके अकाउंटिंग इक्वेशन ये टॉपिक हम देखने वाले बच्चों इसमें पूरा का पूरा एक लेक्चर स्पेंड करने वाले हैं हम ये दो पांच लेकिन आप ये समझ लो, कुछ नहीं आता कुछ भी नहीं इन तीन के अंदर करने है कुछ भी हो जाए बाकी आप कोई भी ट्रांजेक्शन लेके आओ मेरे पास ट्रांजेक्शन लेके तो, दे दूंगा इसके अलावा कुछ नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट्स yes, uh, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि स्ट्रिक्टली अगर वो वही करना पड़ेगा एट देन एंड दस मिनट में आपका अनम्यूट कर दूंगा फिर बातें करना अदरवाइज ये खत्म ही नहीं होगा बच्चों डाउट्स नेक्स्ट अरे अरे देखो एंड में दस मिनट में आपको दे दूंगा बच्चों रैंडमली कोई टेंशन नहीं एकदम आराम से दस नहीं पंद्रह मिनट जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी वैसे टाइम बढ़ेगा लेकिन एंड में लिख के रखो नोट डाउन करो हर डाउट में ऊपर जाऊंगा नोट्स में ऊपर जाऊंगा वहां पे वो जो भी पॉइंट रहेगा वहीं पे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा आप वो पॉइंट लिख के रखो नाम लिख के रखो लाइन नंबर लिख के रखो पेज नंबर लिख के रखो सब कुछ होगा लेकिन एंड में ठीक है कैसा है रिदम ब्रेक हो जा रही है बाकी स्टूडेंट जिनको डाउट है भी और नहीं भी तो वो सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं नेक्स्ट okay? तो अभी से सेकेंड वाले सेशन में फर्स्ट वाले सेशन में तो डिस्कशन ही नहीं सेकेंड वाले सेशन के लास्ट टेन मिनट्स में डिस्कशन नेक्स्ट डोंट वरी दो स्टूडेंट भी रहे तो सो so स्टूडेंट को बोलने का टाइम दूंगा मैं ओके? नेक्स्ट, एक्रूअल एक्रूअल है बच्चों अब इसका मीनिंग क्या है एक्रूअल एक का कहना है कि हम जिस पीरियड का अकाउंटिंग कर रहे हैं ना उसी पीरियड के एक्सपेंस और उसी पीरियड की इनकम उस साल में लिखने चाहिए okay? और अगर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे है जो फ्यूचर से रिलेटेड है तो अकॉर्डिंगली हम वो भी प्रेजेंट करेंगे कि ये इस साल का नहीं है okay? मतलब क्या चलो देखते हैं द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मर्केंटाइल बेसिस इनका कहना है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो मर्केंटाइल बेसिस पे देखें मतलब क्या दैट इज वेन दे अकर एंड नॉट वेन कैश इज पेड और रिसीव्ड ओके ट्रांजेक्शन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है वो देखो एक्चुअल में कैश कब आई या कब गई वो नहीं देखना है ओके okay? एग्जाम्पल देखो क्रेडिट सेल इज सेल दो मैंने 25, जाने, 25 मार्च को ईयर के एंड में 25 मार्च को एक कस्टमर को गुड सेल किए उसके पैसे अब तक नहीं आए फिर भी मैंने इनकम में दिखा दिया उस साल का जो इनकम था मार्च तक साल एंड होता है ना तब मैंने बुक्स क्लोज किए

मैं हर महीने के एंड में आ, रेंट पे करता हूँ थर्टी फर्स्ट मार्च को मैं रेंट पे करने वाला था मार्च महीने का लेकिन आपको पता होगा बच्चों 22 मार्च से हो गया लॉकडाउन कोरोना ने कर दिया पूरा इंडिया बंद घर पे बैठे थे 21 दिन तक इसलिए रेंट तो पे नहीं किया रेंट मैंने दिया अप्रैल में तो देखा जाए तो पेमेंट नहीं हुआ फिर भी फिर भी फॉर एग्जाम्पल दस अगर रेंट है मैं हाँ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ध्यान दो टेन पर मंथ मेरा रेंट है ठीक है है स्टार्ट होता फर्स्ट अप्रैल को एंड होता है थर्टी फर्स्ट मार्च ठीक है तो ये बारह महीने में मैंने ग्यारह महीने का एंड पे कर दिया टाइम टू टाइम हर महीने के एंड में पे करता हूं मैं लेकिन थर्टी फर्स्ट मार्च का कर ना सका लॉकडाउन में घर में बैठे तो कैसे करता ना मैं कैश में देता हूं ऑनलाइन नहीं पे करता ठीक है तो ग्यारह महीने हो गए इन टू इलेवन मतलब अगर मेरा बैंक चेक किया जाए फॉर एग्जाम्पल मैं चेक से पेमेंट करता हूं तो अगर मेरा बैंक में आप देखो तो मेरे बैंक से कितने पैसे गए एक लाख दस हजार राइट ना दस हजार इंटू ग्यारह फिर भी फिर भी मैं उस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मेरा जो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट किया जाएगा वहां पे मैं रेंट नाम का एक्सपेंस दिखाऊंगा एक लाख बीस हजार ऐसा क्यों क्योंकि मर्कन्टाइल कंसर्ट बोलती है आपने कैश पेड नहीं भी किया लेकिन वो उस पीरियड को बिलोंग करता है ना एक्सपेंस तो उस पीरियड के एक्सपेंस में लिख दिया जाए कैश पेड नहीं किया तो भी समझ रहे हो अरे सेम रेवेन्यू के केस में कैश मिला सेम सेम अगर सैलरी नहीं मिली फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब कर रहा हूँ जॉब कर रहा हूँ और मुझे मार्च महीने की सैलरी अब तक नहीं मिली फिर भी मुझे उसी महीने में इनकम दिखाना पड़ेगा क्यों क्योंकि क्यों, वो सैलरी उस महीने की मार्च महीने की मतलब उस साल की नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी अब ये कंसिस्टेंसी का क्या कहना है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अदर ओके अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं बच्चों अकाउंटिंग में कुछ पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं ना हम तो एक साल दो साल तीन साल चार साल कंसिस्टेंटली वही पॉलिसी फॉलो करो उसमें चेंज नहीं करना है पीरियड टू पीरियड सेम पॉलिसी फॉलो करो बस इतना इसका कंक्लूजन है एग्जाम्पल देखो अगर आपको डिप्रिसिएशन पता होगा पता होगा तो अच्छी बात एग्जाम्पल तुरंत समझ जाएगा नहीं पता होगा तो कुछ दिनों में समझेगा डोंट वरी डिप्रीसिएशन टॉपिक आने वाला है तो इन्होंने क्या दिया हुआ देखो इफ अ फर्म द स्ट्रेट लाइन मेथड अगर फर्म ने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया मतलब डिप्रीसिएशन की वो एक मेथड होती है अगर वो मेथड फॉलो कर रहे हो तो उन्होंने क्या बोला हुआ है इट शुड बी फॉलो द मेथड शुड बी फॉलो विदाउट एनी चेंज सालों साल तक वही मेथड फॉलो करे चेंज ना करें ठीक है नेक्स्ट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी इनकॉरपोरेटेड इन द फॉलोइंग डेन लेकिन 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 मेथड कंसिस्टेंटली वही फॉलो करना है फिर भी फिर भी हम मेथड चेंज कर सकते हैं कब अगर लॉ ने बोल दिया कि मेथड चेंज कर दो या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं कि मेथड आपकी जो है वो गलत है चेंज कर दो तो भी आपको चेंज कर एंड टू रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी अगर आप जो मेथड फॉलो कर रहे थे अकाउंटिंग में उस मेथड की वजह से आपका जो प्रॉफिट या लॉस जो भी दिख रहा है वो ट्रू नहीं दिख रहा है करेक्ट नहीं दिख रहा है तो ऐसे सिचुएशन में भी आप चेंज कर सकते हो मतलब मेथड चेंज कर सकते हो अदरवाइज वी हैव टू बी कंसिस्टेंट नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ फुलजर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्लोजर क्या दिया हुआ इन्होंने देखो इट इंप्लाइज दैट इट इंप्लाइज दैट अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑनेस्टली एंड ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी शुड बी डिस्कलोज इन अकाउंटिंग स्टेट तो अकाउंटिंग में फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा बुक्स बुक कीपिंग कर रहा हूँ मतलब ट्रांजेक्शन लिख के रख रहा हूँ सब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ ठीक है प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो वो मुझे ऑनेस्टली करना है ओके okay? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 20 लाख ,00 रुपए कमाए ना फीस से तो मुझे 20 लाख ,00 रुपए ही दिखाना चाहिए तो अकाउंट्स मस्ट बी बी प्रिपेयर्ड ऑनेस्टली ऑनेस्टली एंड ऑल मटेरियल शुड इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट और मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सबका सब अकाउंटिंग स्टेटमेंट में नोट डाउन करना चाहिए ओके okay? मतलब कुछ छुपाना नहीं है ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्कलोज ओके तो बच्चों रिवाइज हो जाएगा सब कुछ फटाफट से ध्यान दो एक मिनट में रिवाइज हो जाएगा क्या क्या देखा रेखा सबसे पहले बिजनेस बिजनेस एंटिटी ये क्या बोलती है ओनर एंड आर टू डिफरेंट एंटिटीज क्लियर नेक्स्ट मनी मेजरमेंट क्या बोलता है ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो इन टर्म्स ऑफ मनी आप एक्सप्रेस कर सकते हो वही रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट गोइंग कंसर्न बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसिएबल फ्यूचर बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा ओके नेक्स्ट कॉस्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस एसेट कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करने हैं ठीक है थीके? मतलब जितने पे बाय किया नेक्स्ट एवरी ट्रांजेक्शन टू एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट कोई भी ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट तो है पीरियडिसिटी पीरियोडिस क्या बोलता है अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इट इज जनरली वन ईयर तो वन ईयर जनरल पीरियड है उसके बाद अकाउंट्स क्लोज करते हैं नेक्स्ट मैचिंग कंसेप्ट एक्सपेंसिस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पीरियड आर टू बी मैच विथ रेवेन्यू रिलेटिंग टू दैट पीरियड तो जो भी एक्सपेंसिस और इनकम एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है रेवेन्यू मतलब इनकम शुड बी रिकॉर्डेड ओनली वेन इट इज रियलाइज जब एक्चुअल में इनकम हो तभी आप वो इनकम में दिखाए ठीक है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इविडेंस एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट है Supporting evidence जरूरी है. कब करो जब हमने हमने वो किया जैसे हमने देखा ना में कि अगर मार्च महीने का रेंट है तो मार्च महीने में ही दिखाओ हमने पेड नहीं किया फिर भी नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रैक्टिस शुड बी कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व कंटिन्यूसली ऑब्जर्व तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो होते हैं सालों साल तक वही कंटिन्यू करें नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर अकाउंट्स मस्ट बी डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन तो अकाउंटिंग में फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है ठीक है तो आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फुल डिस्क्लोज करोग उसमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए नेक्स्ट इज मटेरियलिटी ये देखो मटेरियलिटी ये क्या है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन शियल स्टेटमेंट शुड डिस्कलोज ऑल मटेरियल फाइनेंशियल देखो ऐसा है कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें होती है जो सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं की जाती मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल अगर मेरा दस करोड़ का टर्नओवर है और 500 सौ रुपए का स्टेशनरी का खर्चा है तो क्या मैं सेपरेटली दिखाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेशनरी के नाम से पांच सौ रुपए साल भर का खर्चा ऑब्वियसली नहीं इसको क्या किया जाएगा किसी दूसरे मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑफिस एक्सपेंस है तो ऑफिस एक्सपेंस में वो एड कर दिया जाएगा उसको सेपरेट नहीं दिखाया जाएगा समझ रहे हो तो जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है जिसका नॉलेज होने के बाद भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे एक्सपेंसेस सेपरेटली नहीं दिखाए जाते लेकिन मटेरियलिटी क्या बोलता है ऐसे जो आइटम्स हैं जिनका डिस्क्लोजर मतलब जिनको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका इंपैक्ट हो सकता है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है जो यूज कर रहा है उसके डिसीजन पे इंपैक्ट हो सकता है ऐसी चीजें होती है मटेरियल इंपॉर्टेंट और वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी है यस <coughs> yes. छोटे छोटे एक्सपेंसेस लिए एक्सपेंसेस के लिए फॉर एग्जांपल पेटी कैश बुक होता है तो पेटी कैश बुक के डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेट से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है ओके तो जो मटेरियल आइटम है जो रिलीवेंट है जो जरूरी है प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ वही आपको दिखाना है इमेरियल वाले नहीं नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ कॉन्जर्वेटिजम और प्रूडेंस अब ये प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है देखो बच्चों डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन वन हैज टू एंटिसिपेट नो इनकम बट ट्रोएड फॉर ऑल लॉसेस ये कंसेप्ट बोलती है निगेटिव सोचो मतलब क्या अगर बच्चों आपको लग रहा है कि बिजनेस में आपको खर्चा हो सकता है या फिर चांसेस है कि पैसे डूबने वाले लॉस होने वाला है तो वेट मत करो लॉस होने का अभी से अकाउंट में दिखा दो कि आपका लॉस हुआ है फॉर एग्जाम्पल आरडीडी आगे आने वाला बच्चों नाम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप मतलब क्या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ डेटा से जिनके पैसे डूब सकते मतलब जो मेरे पैसे डूबा सकते हैं ऐसा मुझे डाउट है और मुझे डाउट है कि मेरे तीस हजार रुपए डूबने वाले हैं अकाउंट्स क्या बोलता है आपको डाउट है ना थर्टी थाउजेंड डूबने वाले तुरंत लॉस दिखा दो थर्टी थाउजेंड लॉस हुआ ऐसा दिखा दो अकाउंट्स में पैसे नहीं डूबे फिर भी दिखा दो ओके लेकिन अगर इनकम की बात चल रही है जब तक एक्चुअल में इनकम नहीं होता तब तक मत दिखाओ ओके okay? इनकम का ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट बढ़ने वाले हैं मुझे इतना पैसा मिलने वाला है नहीं 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 ये आप अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते आपको अगर एक्सपेंस होने वाला है लॉस होने वाला है तो वो आप दिखा सकते हो ओके यस बिजनेस में लॉस होता है बच्चों बैड डेप्स वगैरह हो होते हैं डे टू डे बिजनेस में होते कोई बड़ी बात नहीं है ओके okay? तो अकॉर्डिंगली हमें लॉस दिखाना है इनकम नहीं दिखाना है जब तक होता नहीं एक्चुअली नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स टू बी फॉलो इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से हमें क्या मिल जाता है फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स मतलब इन शॉर्ट रूल्स मिलते हैं अकाउंटिंग के कुछ रूल्स मिलते पता होते हैं चलते हैं इसकी वजह से विच टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग जो हमें अकाउंटिंग में फॉलो करना जरूरी है सो दैट इसलिए सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज बिकम कंपेरेबल देखो अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए मतलब अकाउंटिंग के कुछ रूल्स है वो हमने फॉलो किए और वो सब लोग फॉलो करते हैं मतलब जो भी अकाउंटिंग करता है सब पर्सन वो रूल्स फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि अगर मुझे कम्पेयर करना है मेरे कॉम्पिटिटर के साथ कि उसने कितना कमाया मैंने कितना कमाया

या फिर लॉ के वजह से किसी लॉ कंपनीज लॉ वगैरह निकला उसकी वजह से या फिर प्रोफेशनल बॉडीज मतलब जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल बॉडी है तो इनके वजह से तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट बाय कस्टम्स लॉ और प्रोफेशनल बॉडी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट्स जनरली तो जो पब्लिक अकाउंटेंट्स है या फिर अदर अकाउंटेंट्स है उनके फायदे के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं जो उनको फॉलो करना जरूरी है बोलते हैं अकाउंटिंग ओके नेक्स्ट नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल देखा जाए तो ये कुछ काम का है नहीं रिलेवेंट आपको ऐसा नीड वगैरह नहीं पूछेंगे लेकिन ठीक है देख लेते हैं क्या फायदा भाई अकाउंटिंग नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फर्स्ट इज प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हाथ में है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाजू वाले के भी हाथ में है मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा नॉलेज है

फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दो कम बिजनेस है दोनों में कंपैरिजन जो अगर करनी है तो मीनिंगफुल कंपैरिजन होती है ठीक है क्योंकि स्टैंडर्ड हमने फॉलो किए हुए हैं नेक्स्ट टू एनहांस रियलाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी वजह से ये समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाया हुआ है वो रियल है फेक नहीं है उसके वजह से अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं तो जो अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है नेक्स्ट टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स और लॉ ने भी कंपलसरी कर दिया है अब तो कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है नेक्स्ट आई दिया, in दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया दिया हुआ है बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया बस याद रखना किसने फ्रेम किए हैं स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ओके आईसीए ने बनाए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं एक एक का नाम और नंबर है लेकिन आपको नहीं दिया है तो हम नहीं पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस उससे शॉर्ट में ए एस बोलते है, जो इंडिया में है। और आई एफ आर एस क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय किसने इशू किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए किएस और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो सी ए की इंस्टीट्यूट है इंडिया की उन्होंने इशू किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस ठीक है Hmm, कब कब हुआ है इनकी काउंसिल जो ट्वेंटी फर्स्ट अप्रिल टू थाउंड नाइनटीन सेवनटी को बनी थी तब से एस उन्होंने इशू किए हुए हैं ओके okay. बस स्टूडेंट्स इतना ही है एस में और आई में ज्यादा कुछ तो है नहीं बस फुल फॉर्म याद रखना है ए एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आई मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ए एस बनाने वाले कौन है आई और आई वाले कौन है आई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ओके दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वाला टॉपिक विद इन ट्यू मिनट्स विद द नेक्स्ट लिंक बाय बाय बच्चो ठीक है बच्चों हम स्टार्टिंग नाउ बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री अभी बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री क्या है अब एक एक एक, एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे वैसे तो आपको पता ही है मैंने बताया हुआ है सबसे पहले जर्नल मतलब डे बुक जिसे बोलते हो कि दिन डे बाय डे के ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं जर्नल में और साथ में सब्सिडियरी बुक्स ये जो बुक्स है इन्हें बोला नहीं इन्हें बोला जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं नहीं सॉरी 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 एक सेकंड क्या नाम दिया है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हाँ बस हमें इसमें जर्नल रिलेटेड नॉलेज लेना है बच्चों ठीक है इसमें क्या क्या दिया गया है क्या क्या है नहीं डायरेक्ट मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ बिना वक्त गवाए सबसे पहले दिया हुआ है

ये होता है रिकॉर्डिंग और इसी से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ठीक है ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड वेन द टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ओके तो हमें ये भी समझ गया कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जब जब होते हैं एज एंड वेन दे आर प्लेस्ड ऑन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ और एविडेंस तो किसी ना किसी प्रूफ या एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं और इन प्रूफ को क्या बोलते हैं तो ऑथेंटिक प्रूफ्स आर कॉल्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आपको अकाउंटिंग सर्कल याद होगा सबसे पहले होता है ट्रांजेक्शन फिर होता है जर्नल मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन राइट लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए होना चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट कुछ एविडेंस कुछ बिल पावती रिसिप्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग किया जाता है उसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों अरे वही तो सोर्स है ना इंफॉर्मेशन का सेल्स बिल देखा तो सेल्स बिल ये सोर्स है ना कि जिसको देख के समझा कि सेल्स किया है हमने समझ रहे हो तो सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाता है अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं और कैसे होते हैं ये हम देखेंगे ओके तो देखो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है कैश कैश क्या है अरे ये नॉर्मल है बच्चों मतलब डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें ठीक है तो देखो इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज इसमें क्या क्या होता है डेट अमाउंट एंड डिटेल ऑफ कैश परचेस एंड कैश सेल और अदर कैश ट्रांजेक्शन अगर किसी से कैश मिल रहा है कैश रिसीप्ट हो रहा है तो उसे हम एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसे बोलते हैं कैश रिसिप्ट ठीक है receipt, देखो अभी ये कैश रिसिप्ट है ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी की वाट लग रही है क्योंकि वो बुक में इतना क्लियर नहीं है आ, मेरे पास और एक कैश बुक कैश रिसिप्ट है मैं वो आपको दिखाता हूँ ये रही ये जर्नल वाउचर है हाँ ये रही कैश रिसिप्ट देखो जो कैश रिसिप्ट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं आप जैसे जैसे बुक चेंज करोगे तो वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट मिलेगा ठीक है देखो अब सिंपल सी फंड सिंपल सिंपल सा फंड है मेरा मेरा क्लास है ठीक है और क्लास में जब आप फीस देने आते हो तो मैं कैश लेता हूँ उसके बदले पावती रहता हूँ दैट इज कैश रिसिप्ट ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे वाउचर नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया फिफ्टीन नंबर वाउचर नंबर डेट फेब्रुआरी ट्वेंटी वन ठीक है जीएसटी नंबर जो भी रहेगा वो प्रिंटेड रहेगा ऑलरेडी पे टू ओके कैश वाउचर कैश में रिसिप्ट सॉरी ये है कैश रिसिप्ट ठीक है ये कैश रिसिप्ट है ये मेरे बिजनेस का नाम ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया वाउचर नंबर फिफ्टीन आज की डेट पांच फेब्रुआरी ट्वेंटी वन थैंक्स फ्रॉम यस आपका नाम क्या है यस अकबर रिसिव फ्रॉम मेसर्स अकबर कितने पैसे मिले फाइव थाउजेंड तो सम ऑफ रुपीज़ फाइव थाउजेंड ओनली कैसे मिले बाय कैश है चेक है डी डी है एन एफ टी आर टी जे जो भी है फॉर एग्जाम्पल आपने कैश ला कर दे दिए तो बाकी सब कट कर दूंगा मैं मतलब कैश से मिले पैसे. तो नंबर का कोई संबंध नहीं आता डेट का कोई संबंध नहीं आता चेक रहा तो लिखना पड़ता है ठीक है रॉन ऑन इसका भी कोई संबंध नहीं इन पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ बिल नंबर कौन से बिल नंबर के बिल नंबर था आपका 230 उसके अगेंस्ट आपने पैसे ला कर दिए ठीक है तो पैसे ला कर दिए यहां पे लिख देंगे 5, रुपीस, और यहाँ पे रिसीवर का साइन मेरा साइन करके दे दूंगा दैट इज कैश रिसिप्ट ठीक है तो कैश रिसिप्ट एकदम सिंपल सा है जिसमें अगर किसी से कैश मिली तो हम उसके बदले रिसिप्ट देते हैं कैश रिसिप्ट ठीक है तो उसमें क्या क्या रहेगा बेसिक डिटेल्स ना डेट अमाउंट किससे पैसे मिले उसका नाम और रिसीवर का साइन बस स्टैंप वगैरह रहा तो बिजनेस का नाम वगैरह रहा तो वो ठीक है नेक्स्ट इज इन अब ये इनवॉइस क्या है बच्चों हम क्या देख रहे हैं वापस एक बार बता देता हूँ सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या हम ऐसे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ऐसे वाउचर ऐसे बिल जिनके बेस पे अकाउंटिंग किया जाता है ठीक है अब ये क्या है इनवॉइस देखो इनवॉइस इज यूज फॉर क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स अगर हमने किसी को नॉर्मली क्रेडिट सेल्स किया तो इनवॉइस यूज कर क्योंकि परचेस करते टाइम हम अगर शॉप में गए बाय किया कुछ तो हम उसको बिल फाड़ के रहते क्या ऑब्वियसली नहीं यार सामने वाला हमें देगा, राइट तो नॉर्मली क्रेडिट सेल्स करते हैं तब वो इनवॉइस इश्यू किया जाता है अब यहाँ पे ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं आपको क्रेडिट इनवॉइस दिखाता हूं अब देखो ये बिल है फॉर एग्जाम्पल ठीक है हाँ टैक्स इनवाइस ये सेल्स का बिल है क्रेडिट इनवाइस तो यहाँ पे लिखा रहेगा कस्टमर का नाम तो कस्टमर का नाम है सलमान डेट है फॉर एग्जाम्पल दो फरवरी तो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ठीक है तो यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे पर्सन का यहाँ पे डिटेल्स में लिखा रहेगा क्या सेल किया हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल्स सेल की फाइल्स कितनी क्वांटिटी 20 फाइल की एक फाइल थी दस रुपए की टोटल हो गया दो सौ रुपया उस पर वगैरह अगर कुछ लग रहे फॉर एग्जाम्पल तो टैक्सेस का अमाउंट लिखेंगे टोटल अमाउंट आउटर में आ जाएगा सपोज टैक्स जीरो है बस यहाँ पे टू हंड्रेड रुपीज ओनली और बैंक के डिटेल्स ऑप्शनल है मतलब वो डिपेंड्स है लिखना है या नहीं और यहाँ पे साइन डन ओके जो हम अधर पे सेल उधर पे सेल करते हैं हाँ अगर उधर पे सेल किया तो बिल बनाया जाता है दैट इज इन ठीक है तो उसमें क्या क्या रहेगा डेट रहेगा अमाउंट डिटेल्स ऑफ क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स उसमें लिखा रहेगा कितना अमाउंट है एंड सो so ऑन ठीक है नॉर्मली ये भी याद रखो बच्चों इसके साथ द फर्स्ट कॉपी ऑफ इज गिवन टू परचेसर एंड सेकेंड कॉपी इज सेंड अलॉन्ग विद्स पर चेकिंग एंड थर्ड इज रिटर्न बाय सेलर एंड यूज एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन डिपेंड बच्चों बिजनेस टू बिजनेस नॉर्मली दो कॉपी होती है छोटे बिजनेस में इसकी दो कॉपी कार्बन कॉपी देखा होगा ना आपने बिल बिल बनाते फिर वो कार्बन उठा दे वो कार्बन वापिस नीचे के इसमें डाल के रखते हैं right? राइट याद आया तो ऊपर वाली ओरिजिनल कॉपी किसे देते हैं हम कस्टमर को और वो जो नीचे ब्लू वाली कॉपी होती है ना कार्बन के नीचे वाली वो हम अपने पास रखते हैं एज अ प्रूफ क्योंकि उसी बेसिस पे हम सेल्स की एंट्री करेंगे ठीक है इन्होंने थोड़ा ज्यादा आगे के लेवल का दे दिया कि चार कॉपी है चार कॉपी रही तो कैसे होगा एक कॉपी तो तुरंत देंगे दे सपोज आप शॉप में आए कुछ आपने ऑर्डर वगैरह दी मैं तुरंत एक कॉपी आपको दे दूंगा हुआ दूसरी कॉपी अगर मैं आपको ट्रांसपोर्ट के साथ भेज रहा हूं मतलब तो ट्रक में वगैरह भेज रहा हूं तो ट्रांसपोर्ट के साथ वो भी लाएगा दूसरी कॉपी तीसरी कॉपी मेरे पास ही रहेगी बस तीन कॉपी होती सॉरी तीसरी कॉपी मेरे पास ही रहेगी और मैं वो अकाउंटिंग के लिए यूज करूंगा ठीक है क्या 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 ओके हाँ 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 यस yes, एक्चुअली कहीं पे भी अपने ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हो ना या फिर इवन जो तो सिंपल चीज है पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लो ना पेट्रोल पंप पे आप पेमेंट करते हो तो एक दो कॉपी निकलती है एक उनके लिए और एक आपके लिए राइट तो वैसे ही सेल्स बिल की इनवॉइस की भी दो कॉपी होती है एक सेलर के लिए और परचेसर के लिए दोनों को प्रूफ चाहिए मुझे प्रूफ चाहिए कि मैंने परचेस किया सामने वाले को चाहिए प्रूफ कि उसने सेल किया यस हाँ हाँ एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने पेटीएम से नहीं परचेस किया है तो इसलिए एग्जैक्ट उनका कैसा है वो नहीं पता तो डिपेंड से बच्चों बिजनेस में देखो आमने सामने रहा ना बायर सेलर तो सिर्फ दो कॉपी होती है ये ले भाई मेरा ये तेरा ये चल माल उठान लेके जा आप अगर शॉप में गए तो आपको तीन तीन कॉपी दिखती है या नहीं दिखती है दो ही दिखती है यस जहां पे सेल्स होता है मतलब देखो नॉर्मली अगर हम आ, नहीं नहीं पहले बात तो ये देख लो इन हर कोई यूज करता है समझ लो ठीक से समझो इनवॉइस का तरीका अलग अलग होता है ठीक है अब में अगर आप छोटे छोटे दुकानदार दुकानदार के पास गए मतलब आपने ऐसा सौ दो सौ रुपए का कुछ माल खरीदा ठीक है तो भी आपको एक चिट्ठी मिलती है ना कच्ची पावती कच्चा वाला एक पेज पे लिख के बस वो टोटल लेते ना, ये इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने भाई, वो भी इन लो वो भी इन है दूसरी बात ये एकदम छोटे लेवल का हो गया सिर्फ चिट्ठी दे दी उसके पास कुछ प्रूफ नहीं रखता सामने वाला डायरेक्ट फटके दे देता है पेज दूसरा उसके थोड़े सुपीरियर लेवल ये पहले वाला क्या था सिंगल कॉपी वाला इनवॉइस इनवॉइस में भी होता है इनवॉइस में भी एक्चुअली टाइप आते हैं कैश में मो क्रेडिट मेमो ऐसे टाइप होते हैं आगे दिए हो गए डेबिट नोट है क्रेडिट नोट है अरे नहीं 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 बच्चों ऐसा नहीं होता एक्चुअली ना इनवॉइस में यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट का दिया है ठीक है ना मैक्सिमम देखो कैश में भी बिल बनाते हैं उसे कैश मेमो बोलते हैं समझ रहे हो एक्चुअली इनवॉइस जस्ट जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे अगर ना दिया रहा तो आपको दिखा इनवॉइस क्रेडिट मेमो अलग से फॉर्मेट नहीं दिया ठीक है देखो हाँ ना हा ना हा ना देखो अगर मेरे पास एक पहले एग्जांपल सुन लो फिर मुझे पूछना ठीक है अगर मेरे पास कस्टमर आया और वो दस हजार का माल कैश में खरीदने खरीदने वाला है लेकिन उसने बोला मुझे बिल चाहिए क्या लगता है मैं उसको बिल दूंगा या नहीं yes no? yes. Yes, yes, सुन लो हाँ तो उससे बोलते हैं कैश मेमो समझ रहे हो उसे बोलते हैं कैश मेमो जो क्रेडिट सेल्स पे दिया जाता है दूसरा अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहा तो क्रेडिट इनवॉइस दिया जाता है लेकिन क्रेडिट नाम नॉर्मली यूज नहीं होता बस इनवॉइस का मतलब ही क्रेडिट कर लिया जाता है। अगर हम किसी को भी उधारी पे माल बेचते ठीक है भाई सिर्फ क्रेडिट इनवॉइस होता है कैश वाला जो होता है वो कैश का कुछ दिया ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में तो भूल जाओ ठीक है क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहा तो इन वोस देते yes. Yes? नहीं 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 कैश की रिसिप्ट कब यूज करते हैं समझ लो एक मिनट एक मिनट आपको सब कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूं ठीक से ध्यान दो अभी पूरा होने के बाद मुझे पूछना अगर कुछ पूछना रहा तो ठीक हाँ, है हाँ ये एक पर्सन है ठीक है और ये सेलर है सेलर ने सपोज कैश में गुड़ सेल किए कैश सेल्स तो उसके लिए प्रूफ क्या होगा एक कैश मेमो भी बोला जाता है उसे या फिर कैश इनवॉइस भी बोला जाता है ठीक है बिल दे दिया प्रूफ तो होना चाहिए दूसरा सपोज इन्होंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए क्रेडिट पे तो उसके बदले दिया जाता है इनवॉइस सपोज महीने के एक तारीख को उधारी पे गुड्स दिए समझ रहे हो और इसने 20 तारीख को पैसे ला कर दिए 20 तारीख को पैसे ला कर दिए तब क्या देंगे उसे तब उसे देंगे कैश रिसिप्ट अगर किसी से पैसे लेने थे वो पैसे मिल गए तो उसे उसके बदले दिया जाता है कैश रिसिप्ट आज कैश अगर मैंने किसी कस्टमर को कैश में गुड्स दिए वो आया मैंने उसको गुड्स दिए उसने मुझे कैश दिया तो उसके बदले कैश रिसिप्ट नहीं दिया जाता समझ रहे हो कैश रिसिप्ट कब दिया जाता है कि पिछली उधारी वगैरह मिल रही तो ओके डायरेक्ट अगर बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किया तो भी क्या रिसिप्ट ही देंगे ना हम कैश रिसिप्ट ही देंगे ना बस कैश रिसिप्ट में मैंने आपको दिखाया ना जैसे कॉलम कैसा होता है ये देखो कैश रिसिप्ट अभी अभी जस्ट दिखाया मैंने आपको कहां पे गया उसमें लिखा होता है ना कि कैसे पे किया कैश में चेक में डीडी डी तो मैं यहां पे टिक कर लूंगा एन के की जगह पे टिक करूंगा रिसिप्ट तो यही रहेगा क्या हुआ आपका वॉइस टोटली ब्रेक हो रहा है नहीं समझा मुझे है हाँ ना तो एक टाइम पे एक ट्रांजेक्शन सोचो सिर्फ आप पहले क्रेडिट पे सेल्स किया ना तभी तो इन्वॉइस रहेगा जब पैसा मिला तो रिसिप्ट देंगे ओके हाँ नहीं नहीं फिर कैश मेमो रहेगा अगर कैश पे ट्रांजैक्शन किया तो इन्वाइस नहीं देंगे डायरेक्ट गुड तू आया तू कस्टमर था तू आया मैंने तु, गुड्स तूने परचेस किया कैश दे दिया खत्म कैसा कैश मेमो रहेगा फिर बिल okay? इनवॉइस और रिसिप्ट में क्या फर्क है देखो बिल और इनवॉइस एक ही है ठीक है बिल और इनवॉइस एक ही है अब रिसिप्ट क्या होता है रिसिप्ट के टाइम पे गुड्स का कुछ नहीं हो रहा है गुड्स ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं गुड्स ऑलरेडी जा चुके हैं मैंने आपको पहले ही सेल कर दिया है आज सिर्फ पैसे आए तब रिसिप्ट बनाया जाता है ओके okay? आज सिर्फ पैसे आ रहे इसके पहले वो ट्रांजेक्शन हो चुका है गुड्स का जिस जब हुआ था ना गुड्स का तब मैंने इनवॉइस दिया होगा उनको वो हो चुका है आज रिसिप्ट रहेगा जब पैसे आएंगे तब ओके okay? नेक्स्ट इन्वॉइस है जिसमें क्रेडिट सेल्स के लिए बनाया जाता है आगे डेबिट नोट अब डेबिट नोट क्या है कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था और मैंने बोला था आपको ये आने वाला है बी पेशेंट आ गया ठीक है अब शांति से सुन लो पूरा फिर आपका डाउट पूछना हम्म अब आ, हुआ ऐसा कि मैंने इनसे गुड्स परचेस ओके? Okay? इनसे गुड्स मैंने परचेस किए फॉर एग्जांपल टेन थाउजेंड के गुड्स मैंने परचेस किए ओके okay. अब तक हमने जर्नल एंट्रीज ज्यादा नहीं देखे हैं, फिर भी मैं ये वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री में खुद से बता रहा हूँ ठीक है चलो बच्चों आप बताओ मैंने आ, रहीम भाई से दस हजार का परचेस किया तो ट्रांजेक्शन क्या आएगा जर्नल एंट्री क्या आएगा फर्स्ट कुछ नहीं दिया कुछ ट्रांजैक्शन में इतना ही है परचेस गुड्स फ्रॉम रहीम तो आप क्या समझोगे कैश या क्रेडिट एग्जैक्टली exactly, क्रेडिट तो अब मुझे आंसर बताओ मैंने परचेस किए गुड्स क्रेडिट पे रहीम से तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा यस 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 परचेस अकाउंट डेबिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस परचेस ये एक्सपेंस है ठीक है टू रहीम रहीम इज गिवर ना रहीम इज गिवर मैंने गुड्स परचेस किए एंड उसने दिए यहां तक ठीक आगे आगे हुआ ऐसा कि ये गुड्स डिफेक्टिव निकले इसमें से फॉर एग्जाम्पल फोर थाउजेंड के गुड्स ठीक है फोर थाउजेंड के गुड्स डिफेक्टिव निकले इसलिए मैंने इनको परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न कर दिए परचेस रिटर्न डिफेक्टिव थे मेरे ऑर्डर के हिसाब से नहीं थे कलर अलग था जो भी रीजन था मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए ठीक है अब ये परचेस रिटर्न की क्या एंट्री करेंगे गुड्स रिटर्न की अपोजिट एंट्री होगी तो इस बार यस 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 बच्चों एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री होगा रहीम भाई को इस बार डेबिट देंगे और बस परचेस के जगह परचेस रिटर्न नाम लिखेंगे सही है अब मैंने इनको जब गुड्स रिटर्न किए तो एंट्री में क्या दिया डेबिट दिया राइट ना जब मैंने परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न किए तो रिटर्न करते टाइम इनको डेबिट दिया और डेबिट देने के लिए मैंने एक नोट इश्यू की इससे बोलते हैं डेबिट नोट ओके अब देखो बच्चों जैसे गुड्स मैंने परचेस किए ना परचेस करते टाइम बिल मिलता है ना इनवॉइस वो इनवॉइस में सब कुछ लिखा होता है मतलब अभी देखो मैं परचेस कर रहा हूं तो रहीम भाई ने बिल दिया होगा राइट रहीम भाई मुझे बिल बना के देंगे उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि मैंने क्या बाय किया कितने का बाय किया तो दस हजार का बिल रहीम भाई ने दे दिया वो हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट वो एक डॉक्यूमेंट हो गया अब मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूं तो मुझे भी कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना इसलिए मैंने भी बना लिया उसके अगेंस्ट डेबिट नोट अब मैं डेबिट नोट में क्या लिखूंगा पहले मैटर देख लो पूरा ठीक से शांति से देख लो डेबिट नोट कैसे बनेगा हम्म हम्म डेबिट नोट किधर आ गया हाँ ये रहा डेबिट नोट बच्चों देखो डेबिट नोट का फॉर्मेट देख लो ठीक से अब मैं मैं कौन मेरा नाम विघ्नेश है स ट्रेडिंग ये मेरा नाम है ठीक है अब मैं क्या लिख रहा हूं डेबिट नोट नंबर ग्यारह टू किसको भाई रहीम भाई को ठीक uh, है फर्स्ट फेब्रुआरी ट्वेंटी वन वी ठीक से देखो वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं हम दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट विद रूपीज फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड रुपीज ओनली फोर थाउजेंड हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्यों? फॉर द गुड्स रिटर्न बाई अस क्योंकि हम आपको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं कितना फॉर एग्जाम्पल दो क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं और उसका रेट दो हजार था तो फोर थाउजेंड टोटल अमाउंट हो गई ठीक है इनवाइस नंबर दो सौ बारह के हिसाब से क्या था वो परचेस किया हुआ पेन ड्राइव थे ठीक है पेन ड्राइव परचेस किए ये मेरा साइन दट सीट इससे बोलते डेबिट नोट ओके क्लियर भाई कुछ डाउट किसी को ठीक है हाँ एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं अगर मैंने किसी को किसी से परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न किए तो उसके साथ एक नोट देता हूं उसे बोलते हैं डेबिट नोट सॉरी तो हाँ वेन गुड्स आर रिटर्न बाय से बायर प्रीपेयर डेबिट नोट एंड सेंड इट टू सेलर तो जिसने गुड्स परचेस किए वो सेलर को गुड्स मतलब साथ में डेबिट नोट देता है इट okay? कंटेंट्स uh, उसमें सब कुछ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कौन से गुड्स रिटर्न किए क्वांटिटी कितनी रिटर्न की उसकी वैल्यू सब कुछ तो इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अर टेटिंग द अमाउंट ओर्ड बाय द सेलर तो इसमें लिखा होता है कि कितने के गुड्स हमने रिटर्न किए डेबिट नोट इज कॉल्ड एज डेबिट मे डेबिट मेमो ओके देखो इसका दूसरा नाम क्या है डेबिट मेमो भी बोला जाता है इसको ठीक है अब होप क्लियर होगा नेक्स्ट क्रेडिट नोट ओके क्रेडिट नोट में मैं यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूं ठीक है नहीं चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं अलग एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं एक मिनट ही लगेगा उसमें भी अब मेरा नाम रहीम है ठीक है और मेरा कस्टमर है जिसका नाम राम है ठीक है अब पूरा समझ लेना रहीम ने राम को गुड्स सेल किया सेल ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड ओके रहीम ने मतलब हम रही है ना हम खुद रही में हमने राम को गुड सेल किए दस हजार के बोलो बच्चों क्या जर्नल एंट्री होगा इसका कौन सा अकाउंट डेबिट सेल्स सेल्स अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है अरे बच्चों कैश कैश का तो संबंध ही नहीं जिसने कैश टाइप किया है भाई कैश किधर दिया मैंने कैश आ गया ऐसा कुछ नहीं दिया तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होता है ही पे होता है ना और सेल्स सेल्स ये इनकम यार इसको कैसे डेबिट देते हो तुम लोग रामस अकाउंट डेबिट राम, राम इज रिसीवर एक्जैक्टली वो गुड्स रिसीव कर रहा है ना राम तो राम को डेबिट सेल्स इनकम इसलिए से उसको क्रेडिट ठीक है चलो हम अपने पॉइंट पे वापस आ रहे हैं गुड्स सेल किए ठीक है ठीके? अब राम जी ने वो गुड्स रिटर्न कर दिए रहीम जी को ठीक है गुड्स रिटर्न कर दिए अब हम तो रहीम है ठीक है हमें अपने पॉइंट से सोचना है अब अपने पॉइंट से रहीम है ना हम तो सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आया कितने का रुपीज 4, का हमने राम को गुड सेल किए थे चार हजार के जो रिटर्न आए बच्चों सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा अपोजिट तो बस सेल्स रिटर्न को डेबिट आ जाएगा बस नाम भी बदलना पड़ेगा सेल्स का सेल्स रिटर्न लिखना पड़ेगा और राम को एंट्री में क्या देंगे क्रेडिट अब राम जी को एंट्री में क्रेडिट देने के लिए मैंने एक नोट इश्यू किया जिसे बोलेंगे क्रेडिट नोट एक्जैक्टली अपोजिट एग्जाम में आपको पूछा जाएगा इनकेस ऑफ परचेस रिटर्न डैश डैश इज इशूड तो ना तो डेबिट नोट और इनके मतलब लाइन दिया, तो दिया जाएगा क्रेडिट नोट ओके ऐसा भी आ सकता है बायर विच नोट इज गिवन बाय बायर टू सेलर मतलब खरीदने वाला सेलर को कौन सी नोट देता है डेबिट नोट ओके एंड नोट विच इज गिवन बाय सेलर टू बायर जो सेलर है वो बायर को कौन सी नोट देता है क्रेडिट नोट बन गए क्वेश्चन देखो इट इज द स्टेटमेंट प्रीपेड बाय प्रीपेड बाय सेलर कौन बनाता है सेलर हु जिसको गुड्स वापिस मिल गए कस्टमर को सेल्स किए हुए वो क्रेडिट नोट बनाता है ठीक है इसमें सब कुछ होता है कि गुड्स कौन से कौन से रिटर्न आए क्वांटिटी कितनी रिटर्न आए उसकी वैल्यू वगैरह सब कुछ okay? तो आगे देखो डॉक्यूमेंट सेंड बाय सेलर टू बायर स्टेटिंग दैट अमाउंट इज़ ओड बाय द बायर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडिट मेमो और इसी को दूसरा नाम है क्रेडिट मेमो आई होप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों क्लियर है नेक्स्ट पे इन स्लिप पे इन मतलब क्या पे इन टू माई अकाउंट मेरे अकाउंट में पैसे जमा करने के उसके लिए एक स्लिप आती है वो फिलअप करना दैट इज पे इन स्लिप यस नहीं नहीं उसका आंसर मैं बाद में दूंगा बच्चों अभी वो नहीं चल रहा है नेक्स्ट दो पे इन स्लिप मतलब क्या पैसे डिपॉजिट करने हैं ठीक है थीके? अब देखो डिपॉजिट स्लिप ऐसी होती है बैंक में अगर आप जाओगे कभी ऐसे दो पार्ट होते हैं बच्चों यहाँ पे डॉटेड लाइन होती है यहाँ पे बीच में डॉटेड लाइन होती है इसे बोलते हैं काउंटर फॉइल काउंटर ठीक है counter foil, counter, मतलब हमें दोनों भी साइड भरना पड़ता है एक यहाँ पे ठप्पा मार के ठप्पा मार के बैंक हमें रिटर्न दे, दे देती है और बैंक खुद के पास रख लेती है ठीक है तो इसमें क्या होता है वेन कैश और चेक इज डिपोजिटेड इन बैंक अ फॉर्म इज टू बी फिल्ड बाय कस्टमर एंड सबमिटेड टू द बैंक अलॉन्ग कैश और चेक तो एक फॉर्म हमें फिलअप करना पड़ता है अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट करें या चेक डिपॉजिट करें स्लिप एक फॉर्म भर के देना पड़ता है जिसमें हमारा नाम रहेगा अकाउंट नंबर रहेगा कितने अमाउंट है अगर कैश रहा तो डिस्क्रिप्शन रहेगा कितने की कितनी नोट है अगर चेक रहा तो चेक के डिटेल्स कि है किसने दिया है साथ में काउंटर फॉइल ड्यूली स्टैंप्ड एंड साइंड बाय द बैंकर इज रिटर्न टू कस्टमर तो ये वाले जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें स्टैंप रहेगा ओके सामने वाला जो कैशियर है वो आपको स्टैंप मार के देगा साइन करके देगा मतलब हमारे पास प्रूफ रहेगा कि हमने बैंक में पैसे जमा के नेक्स्ट इज चेक चेक तो पता होगा यार डे टू डे लाइफ का पार्ट है चेक इज निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट पहली बात तो ये याद रख लो ये वर्ड तो सुना नहीं होगा आपने चेक पता भी होगा तो negotiable मतलब ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है मतलब आपने मुझे चेक दिया तो वो चेक में दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल तो चेक इज ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट आगे देखो चेक बुक इज is इशूड हाँ, ना बच्चों हमें टू इट्स कस्टमर फॉर विद्रॉइंग मनी फॉर ओन यूज और फॉर मेकिंग पेमेंट टू अदर्स तो चेक के दो यूज है अगर मेरा खुद का चेक है तो मैं बैंक में जाकर चेक दिखा के पैसे लेके आ सकता हूँ दूसरा फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को पेमेंट करना है तो मैं उसको चेक दे दूंगा उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी चेक का यूज होता है ओके तो चेक कैसा होता है चेक का फॉर्मेट आपने देखा होगा चेक का फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूं मिनट बच्चों तो चेक आपके लिए नई चीज नहीं है हाँ वही तो मैं बोलो ज्यादा नई चीज नहीं है तो ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं है जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन बता बता देता हूँ बस यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिक चीज़ें सामने वाले का नाम अमाउंट कितना है वो और वर्ड्स में लिख देंगे साइन कर देंगे वर्ड्स में फिगर्स में एंड सो ऑन ठीक है तो इसमें हम सीधी सीधी बात सामने वाले को ऑर्डर कर रहे हैं मतलब बैंक को ऑर्डर करते हैं कि भाई इसको पेमेंट कर देना फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर वहाँ पर नाम लिख दिया रमेश का कि रमेश को पेमेंट करना है इट मीन्स मैं बैंक को ऑर्डर कर रहा हूँ कि रमेश को पैसे दे दो ठीक है नेक्स्ट डबल एंट्री सिस्टम ओके डबल एंट्री सिस्टम ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है बच्चों ये हम नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट करेंगे अभी मैं आपके साथ डाउट सेशन करूंगा मैं यहीं पे लेक्चर का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ ओके स्टूडेंट्स तो नाउ दिस इज द टाइम यू कैन आस्क योर डाउट्स